मैं रात को ही सारा किचन क्लीन कर देती हूँ, और सारे गैस मैं रात को पूरी साफ़ सफाई करके मैं ऐसी तरह छोड़ दी थी। रात को मैं धो दी थी, तो सुबह मैं उसको एक एक करके मैं लगा रही थी। उसके बाद फिर मैं दूध आ जाता है मेरा, तो गाय की और भैंस की अलग अलग दूध लेती हूँ मैं, तो वही दूध मैं गैस पे सबसे पहले मैं दूध गर्म कर रही थी। चाय के लिए तो मैं भैंस की दूध यूज करती हूँ, और बेबी को पीने के लिए गाय का ही दूध अच्छा होता है, तो वही अलग अलग दूध आते हैं। तो अभी तो दूध वाले आते ही नहीं है, वैसे तो आते थे, तो इस टाइम कोविड की वजह से वो बोले कि आप लोग हमारे डेयरी से आके दूध ले जाया करें, हम लोग अभी इस टाइम नहीं आ रहे हैं। तो इसकी वजह से 8 बजे हमारे हस्बैंड जाते हैं और दूध लेके चले जाते हैं। तो अभी मेरी चाय बन रही है, तो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, और नमन भी आपको हेलो बोल रहा है। कैसे हैं आप सब? सब अच्छे बोल रहे होंगे। तो मैं कल कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसके वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ, बातें कर लेती हूँ। आप लोगों से बातें करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, और आप लोगों ने कोई भी एक कमेंट नहीं करते कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कैसी नहीं लगती, प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा, तो मुझे पता तो चले कि मेरी वीडियो सच में अच्छी है या फिर नहीं है। तो आपने देखा मैंने बस 2-3 मैट को मैंने गंदे हो गए थे, काफी गंदे हो गए थे, तो मैंने कल परसों 4 धो दिए थे, बाकी 3 रह गए थे, तो वही मैं धो के अभी बस आई थी। तो मैंने चला कि सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, और नमन भी आपसे कुछ कह रहा है। नमन क्या कह रहे हो बेटा? नानी लगा है। नानी लगा है। कुछ तो बोल दो। नानी लगा है। और मैं चलती हूँ किचन में, खाने बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, और पूछती हूँ कि आज क्या खाना क्या नहीं खाना। कभी कभी तो मैं ऐसे बना देती हूँ, फिर एक बार पूछ लेती हूँ कि क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आज लंच में क्या बनाने जा रही हूँ। और मैं उसी टाइम ये गर्म पानी मैंने चढ़ा दिया था गैस पर, वो आज मैं बना रही थी मशरूम की सब्ज़ी। तो मशरूम को मैं पहले अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं फिर उसको गर्म पानी में इसको अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ। तो मैं सोची थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लेती हूँ, तो बस उसके बाद ही फिर मैं यहाँ पर आ गई थी आप लोगों से बात करने के लिए। तो वहाँ मैंने दूध भी रख दिया था गैस पर, और दूसरी तरफ मेरी ये मशरूम वाली जो गर्म पानी में उसको धोती हूँ अच्छे से, तो वो रख दी थी। तो साथ में सारा काम हो जाएगा और आप लोगों से बातें भी मैं कर लूँगी। मैं किचन पर आ गई हूँ, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर, तो और इसके में टमाटर प्याज सारे मैंने इसको चॉपिंग करके अच्छे से मैंने रख लिया था। अब मैं कढ़ाई पे इसमें तेल डाली हूँ, और ये आप देख रहे होंगे ये मशरूम को मैंने अच्छे से इसमें इसके पीसीस काट लिए जब ये ठंडे हो गए थे, और ये है मटर, और ये है कद्दूकस किया हुआ प्याज, कद्दूकस किया हुआ टमाटर। अब ये सारी चीज़ों को मैं डालूँगी, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए। उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी इसमें जीरा डालूँगी, फिर थोड़ी सी हींग, तो बस मैं यही तड़के में लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं प्याज को उसको अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। उसके बाद जब प्याज फ्राई हो जाते हैं तो फिर मैं इसमें टमाटर डालती हूँ। टमाटर फ्राई होने के बाद थोड़ा सा टमाटर खट्टे आजकल आ रहे हैं ना, तो उसके बाद ही मैं अच्छे से इसको फ्राई कर लेती हूँ।
और मैं इसे ढक के पका रही हूँ। वो छींटे बहुत ज़्यादा आ जाती है, पूरी स्लैब ख़राब हो जाती है, गैस भी बहुत ख़राब हो जाती है। तो मैं इसे ढक के पकाती हूँ तो छींटे भी नहीं आते और अपना हाथ भी नहीं जलता है। तो अब ये मसाले में धीमी आँच पे मैं इसे पकाऊँगी। और यहाँ पे मैं आटा लगा लेती हूँ, तो उसी के लिए मैं आटा के पानी उसमें डाल रही हूँ और आटा में अच्छे से इसको सान लेती हूँ। तो उसके बाद फिर जब ये सब्ज़ी बन जाएगी तो उसके बाद ही मैं गर्मा गर्म रोटी बनाती हूँ। रोटी बना के मैं नहीं रखती, रोटी ठंडी हो जाती है, तो इसीलिए मैं जब भी खाना होता है तो आटा उसी टाइम लगा लेती हूँ या फिर आटा लगा के रख भी देती हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर गर्मा गर्म रोटी बनाती हूँ तो अच्छे लगते खाने में रोटी, और दो एक दो रोटी आदमी खा भी लेता है। और ये दही है, मैं इसको दाल मथनी से इसको मैं हाथों से मेज़ कर रही थी। वैसे मिक्सर भी है मगर मिक्सर का और इसके हाथ का मतलब कि मज़ा ही कुछ टेस्ट अलग ही आता है। तो मैं इसी से मैं हाथ से इसको ब्लेंड कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं इसको ग्लास में इसको निकालती हूँ। और ये बन गया मेरा पूरा लंच, तैयार हो गया है। और आइए आप भी खाइए गर्मा गर्म लंच। तो मैं लेके जा रही हूँ लंच खाने के लिए। सबसे पहले मैं इनको दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाऊँगी। और अभी देख रही ये नमन के चक्कर में सारा दूध मेरा गिर गया। मैं चली गई थी कमरे में कुछ सामान लेने और ये देखो सारा दूध मेरा बह दिया। और ये खड़ा है मेरा लाडला, और जब मैं इसको डांट लगा रही हूँ ना तो ये अपने आप को मारना चालू कर देता। हाँ ये देखो, देखा ना, ये ऐसे ही करता है। अब इसकी पिट्टी पिट्टी होगी। अब ये और लंच तो हो गया, और आप देख रहे हैं कि नमन अभी तक नहाया ही नहीं है और ये कपड़े भी चेंज नहीं करा। देखो कैसे भाग रहा है, ये देखो कैसे भाग गया। और आप देख रहे हैं मेरे बिस्तर की क्या हालत हो गई है, ये देखो। मुझे अब जाके टाइम मिला, मैं सोचा चलो बिस्तर को भी चेंज कर लूँ। ये देखो ब्लैंकेट सुबह से ऐसे ही पड़े हुए हैं। और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ ये मोबाइल का चार्जर, ये केबल ना क्या जो लगाते हैं, ये आप देखो। नमन ऐसे ही करता है, पूरा बिस्तर को पूरा ख़राब कर दिया। अब मैं अपने बिस्तर को ठीक कर लेती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपने बिस्तर को ठीक करने के लिए। मैंने आपको दिखाया ना इसमें सारी बिस्तर क्या का नमन की ये सारे कपड़े रखे हुए पहनने के लिए, वो भाग गया है।